बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब नासिर जी। स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 20 है 6.2 का, तो चले स्टार्ट करते हैं जी। टू ओवर थ्री रेज टू पावर माइनस वन, तो हम इसको अलग से भी माइनस वन लिख सकते हैं, इसको भी अलग से माइनस वन की पावर बना सकते हैं। तो ये हमारा इसमें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर है फोर की भी माइनस टू पावर है और नाइन की भी, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फोर ओवर रेज टू पावर माइनस टू और नाइन रेज टू पावर माइनस टू। 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, ठीक हो गया। 3 3 9 9 3 27, ये इसको हम वैसे लिख लेते हैं एक दफ़ा, और 3 रेज टू माइनस 6। अब ये 4 है, इसको मजीद ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी जो पहले पावर है उसको पावर लिख सकते हैं। 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ पर -2 आ जाता है, और ये वैसे आ गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 रेज टू पावर, अब ये माइनस की 2 रेज पर माइनस 1 है और ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस वाले को नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इस मान वाले को ऊपर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाता। तो 3 रेज टू पावर माइनस वन ऊपर जाए 3 हो गया, और वो नीचे आके 2 हो गया। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 और फिर होल पावर -2, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है 2 रेज टू पावर -4। इसी तरह ये इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे आएंगे ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं, तो ये आता है 3 ओवर 2। इसको ऊपर ले गया 3 रेज टू पावर 4, और इधर पहले पड़ा हुआ है 3 रेज टू पावर 3, और ये माइनस का नीचे ले आएंगे जो पॉजिटिव हो जाता है, ये आ गया 3 ओवर 2। अब देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 4 प्लस 3 डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 2 रेज टू पावर 4, ये हो गया। यहाँ पर आ गया 3 ओवर 2, और ये डिवीजन वैसे ही 3 ओवर 4 प्लस 3 3 की पावर 7 आ गई, और नीचे 2 रेज टू पावर 4 वैसे ही लिख लिया, ठीक हो गया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखें 3 ओवर 2 वैसे ही, अब डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे 2 रेज टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 रेज टू पावर 7 नीचे आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, क्यों? अब ये देखिए 2 की पावर इधर 1 है, इधर 2 की पावर 4 है, तो ये बड़ी पावर ये है, छोटी वाला बड़ी पावर की तरफ मूव करता है, तो इधर 3 रेज पर 7 है, इधर 3 रेज पर 1 है, तो ये इधर मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं जी, इसको उधर ले जाते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पर 2 रेज पर 4 पहले पड़ा है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे 2 रेज पर -1 आ जाता है, और ये 3 रेज पर 7 इधर ही पड़ा रहेगा, इसको नीचे ले जाएंगे 3 रेज पर -1, बेस सेम हो जाएंगे, जब बेस सेम होगी तो पावर ऐड होती है 4 -1, और यहाँ पर 3 रेज पर 7 -1, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4 -1 3, ये माइनस है, यहाँ पर 3 रेज पर 7 -1 3 रेज पर 6, तो ऊपर हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 3, और नीचे हमारे पास 3 रेज टू पावर 6 आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को मज़ीद सॉल्व कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। अगर आप मज़ीद को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 3 रेज टू पावर 8 कर लें और इसकी पावर 6 ले लें, तो इसको ये से मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।